नमस्ते आप सभी को, आप सभी का एलसी ऑफिशियल कुकिंग में स्वागत है। मैं वाली हूँ पोहे का बहुत ही टेस्टी स्नैक्स, जो कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ कटोरी में देखिए चूड़ा लिया है, इसको पोहा भी बोलते हैं। हरा धनिया है, इसको मैं जार में डाल के एकदम ऐसे सूखा ग्राइंड कर लेती हूँ। इसमें ज़रा सा भी पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है और इसमें और कुछ नहीं डालना, बस इसको ऐसे ही सूखा ही ग्राइंड करके ले लेते हैं। मैंने हरे धनियों को ग्राइंड करके ले लिया है। मैंने कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच के लगभग तेल डाला हुआ है। इसमें 1 चम्मच के लगभग मैं जीरा डालूँगी। अब इसमें मैं एक हरा मिर्च करी पत्ता डालूँ। सूखा करी पत्ता रहेगा तो अच्छा रहेगा। मैंने इसमें सूखा ही करी पत्ता डाला हुआ है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मूंगफली है वो डाल देती हूँ। इसको मैं थोड़ा भून के लेती हूँ 2-3 मिनट। देखिए अभी ये हो चुका है। अब इसमें मैंने जो हरा धनिया ग्राइंड करके रखा हुआ था वो डाल दूँगी। अच्छे से इसको मैं 1-2 मिनट तक भून के लेती हूँ ताकि एकदम सूख जाए। फिर पानी जो थोड़ा बहुत पानी है धनिए का वो भी सूख जाए, इतना इसको भून के थोड़ा ले लेती हूँ, रोक लेती हूँ। देखिए अभी ये हो चुका है। अब इसमें मैं ये जो पोहा चूड़ा लिया हूँ वो लिया हूँ वो डाल देती हूँ। ये पोहा लिया है कटोरी भी डाल देती हूँ, इसको अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं दम ग्रीन ग्रीन हो गया है। अब इसमें मैं चाट मसाला मिक्स करूंगी। इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेती हूँ। इसको हम इतना थोड़ा हल्के स्लो फ्लेम पे गैस के अब इसको थोड़ा इतना भून लेंगे कि पूरा जो ग्रीन हरा धनिया का थोड़ा भी गीलापन रहेगा सूख जाना चाहिए। इसको मैं स्लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ ताकि इसका गीलापन अच्छे से सूख जाए। इसको हम 3-4 दिन के लिए 5 दिन के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा, हम कभी भी इसको खा सकते हैं। पूरा हम सुखा के लेते हैं। देखिए ये बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे। देखिए एकदम सूख गया है, आवाज आ रहा है इसमें से। देखिए बनके तैयार हो गया है ये पोहे का सूखा पोहा। आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, इसको 1 हफ्ते तक आप खा सकते हैं। इसमें धनिया का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा फ्रेंड सर्कल में, चैनल को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।